इंडियन ट्रिब्यून न्यूज पे चली खबर, खबर का हुआ असर। साल में मैडम वो एक मरतबा जेंट्स आएंगे। अब एम्प्लॉयज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक करेंगे ड्यूटी। कहां मुलाजम ही तेजगढ़ खोलिम सेंटर नसी आ मुलाजम आए। अब कोई भी बहाना नहीं चले, साल में सिर्फ एक मरतबा आती बस। पीपीओ का लोगों ने किया शुक्रिया अदा। लोगों ने कहा जो ही खबर चली इंडियन ट्रिब्यून न्यूज पे, उसके बाद फौरन असर देखने को मिला और एक टीम को तश्कील दिया गया और टीम ने जो है आंगनबाड़ी सेंटर का किया दौरा। खबर का हुआ असर, कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी और हमारा काम यह है कि हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड जीरो की सिचुएशन जो है और ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ होता है वो जिला इंतजामिया और मौजूदा सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारा काम यह होता है कि हम जो है लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी डिपार्टमेंट होता है या फिर सरकार होती है उनके बीच के फासले में क्या कुछ होता है ऐसा काम करते हैं। मानिए हम एक ब्रिज का काम करते हैं जो आप बखूबी जानते हैं और हमने वही किया आप तक। कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट पहुंचाई थी पंचायत बागवा ऊपर भी की एक रिपोर्ट जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर के बारे में लोग काफी परेशान थे और लोगों का साफ साफ कहना यह था कि यह आंगनबाड़ी सेंटर जो है साल में एक बार खुलता है और उस आंगनबाड़ी सेंटर में क्या कुछ होता था वो हमने ग्राउंड जीरो से आपको बताया था। लेकिन जो ही हमने रिपोर्ट की, हमने डिपार्टमेंट के जो वाला ऑफिसर्स हैं सीडीपीओ साहब से भी राबता किया और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम जो है इस पे इंक्वायरी करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। सीडीपीओ साहब के साथ बातचीत के बाद उन्होंने फर्म एक्शन किया और एक्शन बनता था और मैं कहूंगा कि काबिल तारीफ एक्शन किया। उन्होंने एक टीम जो है बनाई और उसके बाद वहां के एम्प्लॉयज को जो है नोटिस निकाला कि आपके यहां जो है लोगों की शिकायत है और लोगों से भी हमारी अपील रहेगी कि जब तक ना हम जागेंगे ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की स्कीमें हैं इनको जमीनी सतह पर लाना जो है हमारा भी काम बनता है। जब तक ना हम कोऑपरेट करेंगे तब तक जो है कहीं ना कहीं ये स्कीमें जो की तो रहेंगी। जहां तक एम्प्लॉय की बात की जाए, अगर उनको हम वहां पर देखने नहीं जाएंगे, उनको नजर मारने नहीं जाएंगे तो फिर वहां का काम जो है जो का तू रहेगा। जब हमने आंगनबाड़ी सेंटर मानोल का ये गांव है और पंचायत बागवा ऊपर भी है वहां पर हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं तो सीडीपीओ साहब ने जो है एक्शन किया और एक नोटिस जारी की और उस नोटिस में साफ साफ दो सुपरवाइजर जो आंगनबाड़ी सेंटर्स के होते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स के जो दो सुपरवाइजर्स को जो है मुंतखब किया जाता है, उनकी एक टीम बनाई जाती है और उस आंगनबाड़ी सेंटर में आज के दिन वहां पर उनका विजिट रहा और विजिट के बाद क्या कुछ रहा वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा काम यह होता है कि हम जो है एक पुल वाला काम करते हैं, एक ब्रिज वाला काम करते हैं, लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच लोगों की जो मुश्किलें होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। लेकिन काबिल तारीफ है सीडीपीओ साहब जिन्होंने बहुत जल्द इस चीज में एक्शन लिया और साफ साफ बताया कि जो भी इंक्वायरी होगी वो हम तक पहुंचाइएगा। आखिर ये माजरा क्या है कि साल में जो है एक बार जो ये आंगनबाड़ी सेंटर खुलता है और वहां पर जो है जो भी राशन आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आंगनबाड़ी सेंटर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो थोड़ा सा खुलासा करूंगा, दो मिनट आपके एक्स्ट्रा लूंगा। आंगनबाड़ी सेंटर्स में जो स्कीम है इसमें यह है कि बच्चों को आपने वहां पढ़ाना है, वहां खाना खिलाना है और आप जो है न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, घरों को नहीं दे सकते हैं, सूखा नहीं दे सकते हैं, आपने वही खाना बनाना है और बच्चों में तकसीम करना है और उसके लिए आपको एक एम्प्लॉय दिया जाता है जिसे हेल्पर कहा जाता है, उसके वो जो है वहीं पर बनाए और उसके बाद बच्चों में तकसीम किया जाएगा। और बहुत सारी स्कीमें जो है महिलाओं के लिए भी रहती हैं और खासकर उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनके लिए बहुत सारी स्कीमें जो है आंगनबाड़ी सेंटर्स में दी जाती है।
लेकिन ऐसा नहीं था वहां पर। जिस तरह से वहां के लोगों ने बताया, लोगों ने साफ साफ हमारे साथ, जो आपने रिपोर्ट भी देखी होगी और अगर नहीं भी देखी होगी तो हमारे चैनल पे आप जाइएगा, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज जो है खोलिएगा और आप वहां देख सकते हैं कि हमने जो है इस पे पहले भी रिपोर्ट की थी। लेकिन उसके बाद जो है आज के दिन वहां पर जो है ऑफिसरों का विजिट हुआ और विजिट के बाद आप ये नोटिस अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं और विजिट के बाद क्या कुछ रहता है और वहां पर जो है जो इम्प्लॉइज हैं और वहां के लोगों ने जो है उन लोगों से बात की और अब ये बताया जा रहा है कि और ये जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि आज के बाद जो आंगनबाड़ी सेंटर है वो कंटिन्यू खुला रहेगा और टाइमिंग भी साफ साफ बताई गई है और टाइमिंग भी ये बताई गई है कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जितने भी एम्प्लॉय हैं आंगनबाड़ी सेंटर में, जो 2 इंप्लॉय होते हैं वो कंटिन्यू ड्यूटी करेंगे। अब बारी आती है कि जब तक ना हम लोग आवाज उठाएंगे और जब तक ना आप जो है आवाज उठाएंगे तब तक कोई भी इंप्लॉय या फिर कोई भी आदमी आपकी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। लेकिन फिलहाल हम भी और पूरे लोग जो है सीडीपीओ के जो है सीडीपीओ साहब जो है उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत जल्द इस पे एक्शन किया और हमारा काम रहता है कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की जाए और एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह होता है कि उस पर नजरसानी की जाए, हकीकत को देखा जाए, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं और उम्मीद यही करते हैं और लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि इस मसले को अगर उछाला जा रहा है, इस पे कोई आवाज आती है, कोई मसला है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर वक्त इन चीजों को जो है नजरअंदाज ना करे और देखा जाए कि आखिर ये लोग परेशान क्यों है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है वो आपको बताऊं। उसके बाद आज पूरी तरह से वहां के लोगों ने कोऑपरेट किया, वहां के लोगों ने जो है बताया कि हमारे साथ जो आज तक हुआ लेकिन आइंदा जो है ये सेंटर जो है खुला रहना चाहिए, छुट्टी के दिन छुट्टी और बाकी दिनों में जो है सेंटर खुला रहना चाहिए। लेकिन इंडिया ट्रिब्यून के माध्यम से हमने रिपोर्ट की थी और उसके बाद उम्मीद यही जाहिर की थी लोगों ने भी कि इस पे जल्द एक्शन हो, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल है, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन जो है आंगनबाड़ी सेंटर से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज जो है जब स्कीमें गवर्नमेंट की हमारे पास है इनको जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट करना अगर नहीं होती है तो हमको शोर उठाना चाहिए। और अगर इसके अलावा एक मैसेज हमारा भी रहेगा, जब भी आपके यहाँ ऐसे कुछ मुद्दे हो, जो मुद्दे आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने होंगे, जो मुद्दे आप उन्हें जो है सरकार तक पहुंचाने होंगे, तो आप बराह रास्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम जो है आपके ग्राउंड जीरो पे आएंगे, आपकी खबर को जो है जिला इंतजामिया तक और मौजूदा सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आज इस वक्त जो है खबर आप तक पहुंचाने का यही मकसद था कि जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट हुई और डिपार्टमेंट का जो है लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया, बहुत सारे लोगों ने वहां से जो है फोन कॉल्स के जरिए भी बताया कि जो ही आपकी खबर चली, जो ही इंडियन ट्रिब्यून न्यूज पे खबर चली और उसके बाद बहुत जल्द एक्शन होता है और एक्शन में जो है दो जो इंप्लॉइज है उनको भी बुलाया जाता है और बहुत सारे जो ऑफिसर जो है सेंटर का विजिट करते हैं और आंगनबाड़ी सेंटर में जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि अब ये टाइम भी जो है फिक्स किया गया है और उसका जो है वहां पर जो रेजोल्यूशन बना है वो भी आपके स्क्रीन पे है और साफ साफ ये बताया जा रहा है कि जिन जगहों पे जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपकी बात जो है कोई सुनता नहीं है, आपकी बात जो है कोई ऑफिसर सुनता नहीं है, तो उसके लिए मीडिया का सहारा लेना और हम हर वक्त आपके साथ रहेंगे। जब भी आपको लगता होगा कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक की आवाज पहुंचानी है तो हम आपके बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और हम रिपोर्ट जो है ग्राउंड जीरो से करते हैं और ग्राउंड जीरो में जो भी सिचुएशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं और ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या थी वो हमने आपको बताई और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई और डिपार्टमेंट तक पहुंचाई और उसके बाद असर देखने को मिला और लोग भी वहां के खुश हैं और लोगों ने शुक्रिया अदा किया है, खासकर सीडीपीओ का। सीडीपीओ साहब ने जिस तरह से एक्शन लिया और एक्शन के बाद जो है लोग अब कहीं ना कहीं खुश हैं और ये साफ साफ अब बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो जो है जब भी वर्किंग डे होगा उस दिन जो है खुला रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां पर इंप्लॉयज जो है ड्यूटी करेंगे। बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में जो है जब हमने रिपोर्ट की तो बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले कि सब जगहों का यही हाल है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जिला इंतजामिया और डिपार्टमेंट जो है इन चीजों को नोट करेगा किन जगहों पर ऐसा
है, किन जगहों पे जो है सेंटर फंक्शनल है, किन जगहों पर जो सेंटर अभी भी नॉन फंक्शनल है, और बच्चे जो है बच्चों का मुस्तकबिल और जो स्कीम है गवर्नमेंट की है वो कहीं ना कहीं जाया हो रही है, कहीं ना कहीं जो है उनको जिस जगह पर होना चाहिए था उन जगहों पे नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल फिलहाल आपको बता दूं, हम ग्राउंड जीरो पे जब भी आएंगे और जब भी रिपोर्ट करेंगे उम्मीद यही करेंगे कि जिला इंतजामिया उस चीज पे फौरी तवज्जो दे। फिलहाल इंडिया ट्रिब्यून के लिए मैं मुदस्सिर वानी डोडा।